हाय फ्रेंड्स, सो आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, जैसे मेरे घर में बनती है इन माय वे ऑब्वियसली. और उस पनीर भुर्जी का आई विल नॉट बी सर्विंग इट विथ रोटी, पर मैं सैंडविच बनाऊंगी. सो ये मैंने कढ़ाई में हल्का सा तेल डाला है. तेल आया ही नहीं, आई एम ऑलवेज इन अ हरी. अभी 2 मिनट में आ जाएगा. मैंने बारीक बारीक कैप्सिकम, अनियंस, टोमेटो और धनिया खूब सारा काट रखा. तो ये तेल आ गया. मैं इसमें अब बारीक कटे हुए प्याज और कैप्सिकम दोनों डाल देती हूँ. और हम इसे अच्छे से स्टर कर लेते हैं. हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, क्रंच बरकरार रखना है, तभी मज़ा आएगा. अब मैं इसमें हल्दी डाल लेती हूँ. अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देती हूँ. इसे कुक कर लेंगे थोड़ा. इन द मीन टाइम जितना पनीर चाहिए मैं वो निकाल लेती हूँ. लुकिंग फॉर नाइस. अब मैं इसमें मसाले डाल लेती हूँ. धनिया पाउडर, सब कुछ आपके टेस्ट के हिसाब से. लाल मिर्च, नमक, अगर आपको पसंद हो तो हल्का सा अमचूर. मैंने कभी नहीं डाला पर आज मैं डाल के देख रही हूँ कि कैसा लगता है. अच्छा, तो अभी कुछ दिन पहले किसी का मेरे को मैसेज था कि ये आपका धनिया पाउडर इतना चटकीला रंग कैसे है. तो मेरी मम्मा जब भी धनिया हम घर पे ही पिसवाते हैं सारे मसाले, तो मम्मा जब चक्की पे लेके जाती है तो सबसे पहले हल्दी पिसवाती है. हल्दी पिसते ही मम्मा उसी मशीन में धनिया पिसवा दी, ताकि जो हल्दी का रंग है वो धनिया पे अच्छे से आ जाए. तो दिस वे द धनिया इज वेरी ब्राइट इन कलर. और यही अगर हम डायरेक्टली अब घर पे पीसते हैं धनिया तो बहुत डार्किश कलर होता है और सब्जियों में मज़ा नहीं आता. तो मैं स्लो कर लेती गैस, अब थोड़ा थोड़ा करती है, चिपकने लगा है. ये घर का मेरा पनीर है. आप चाहो तो इसे ग्रेट कर सकते हो. मैं जस्ट रफली हाथों से ही क्रश कर लेती हूँ. मैं गैस स्विच ऑफ कर रही हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा इसे पकाना तो है नहीं. अब जितनी गर्माहट है उसमें ये पनीर हो जाएगा. अपनी थोड़ा सा और पनीर ले लेती हूँ. मैं ऐसे पनीर एक सांचे में बनाती हूँ और फिर सांचे से निकाल के स्टील के डब्बे में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ. तो ये आराम से टिक जाता है काफ़ी देर. काफ़ी सॉफ्ट भी होता है मेरा घर का पनीर. एंड आई नो इट इज़ नॉट मिक्सड विद एनी प्रिजर्वेटिव और एनीथिंग. एंड माई किड ऑल्सो लव्स द फ्लेवर ऑफ दिस पनीर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड वॉश माई हैंड्स. तो ये हमने पनीर डाल दिया. अब हमारा फाइनल टच बिना धनिया के मज़ा नहीं आएगा पनीर की सब्जी में. तो हम ये सारा धनिया डाल देते हैं और इसे उप्स गरम कर. यस, गर्मी जा रही है. मुझे लग रहा है मैंने पनीर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया. सब्जियाँ कम लग रही है मतलब चुके. अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ हल्की धीमी आंच पे. जोश जोश में मैंने खूब ज़्यादा पनीर डाल दिया.
मैं ज्यादा सब्जी रखती हूँ, पनीर एकदम बैलेंस्ड रखती हूँ, बट दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। आप इसमें चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये मैं इसे हिलाते हिलाते हल्का सा, आप देख रहे हैं, मैं मैश करे जा रही हूँ। बेसिकली हमारी सब्जी है रेडी, मैं इसे बस हल्का सा मैश करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और अब मैं इसे ब्रेड में फिल करके ग्रिल कर दूँगी। और आप चाहो तो इसे रोटी के साथ सर्व करें, आप चाहो तो रोल बना के रोटी के साथ सर्व कर दीजिए, या ऐसे ही खा लीजिए। इट्स अप टू यू हाउ यू ईट दिस। देखिए दिस इज़ रेडी, स्विचिंग ऑफ द गैस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।